आने वाले दिनों में बी एड के कैंडीडेट जिन्होंने एडमिशन लेनी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्टड काउंसलिंग उन्होंने नैक्सट स्टैप मेजर तो माइनर सबजैक्ट चूज़ करने कहा जाएगा, इस कॉलेज भी चूज़ करने कहा जाएगा, उसके वक्रे तरह गल करांगे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेजर तो माइनर सबजैक्ट जो चूज़ करने ने वो इस तरह चूज़ किए जाए कि मैं मैक्सीमम गवर्नमेंट जॉब के करीब होव, मैं एडिशनल सबजैक्ट ना देना पवे, मैं टी जी टी लिए एलिजिबल हो सका, क्योंकि टी जी टी पोस्ट ज़्यादा होंदिया हैं, पर जो थोड़ी इंटेंशन है कि पी जी टी भी हो सकते हैं, मेरे तो सिर्फ मैं इनफॉर्मेशन दे रहा हाँ, तुसी अपना डिसीजन आप लेना है। मेजर सब्जेक्ट तो अनु यूनिवर्सिटी ने देना है नंबर एक का, तो जिहड़ियां चॉइस फिल करने कहा जाएगा उहदे विच तुसी मेजर सब्जेक्ट ही फिल करना है। मेजर सब्जेक्ट दो चीज़ा होणगियां, कॉलेज ते मेजर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज वन है उहदे विच मेजर सब्जेक्ट ए भर दिता, तुसी वह मेजर सब्जेक्ट किहड़ा भरना है, किहड़ा प्रैफर करना है, उस दे लई गाइडेंस दिती जा रही है। मेजर सब्जेक्ट कई एक तो वध भी बनते हो सकते हैं, सो वध मेजर सब्जेक्ट भी भरे जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि केड़ा मेजर सब्जेक्ट है। सो मेजर सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्लीयर है कि 3 साल तुसी पढ़िया होवे, सिर्फ उन्होंने ये लिखा है 3 साल पढ़िया होएगा, और जेकर ये 3 साल पढ़िया होया सब्जेक्ट तुसी वो चूज़ करना है जिहड़ा वो इलैक्टिव पढ़िया होया होएगा। फॉर एग्जाम्पल जनरल पंजाबी है, जनरल इंग्लिश है, तो तुसी इलैक्टिव पंजाबी, इलैक्टिव इंग्लिश, इलैक्टिव हिंदी है ना, बेशक वो ये भी इलैक्टिव सब्जैक्ट ही ने। सोशल साइंस है, मतलब थोड़ी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है ना, साइंस है, ये सारे इलैक्टिव सब्जैक्ट ने, इन्हों इलैक्टिव टर्म के ही रखा जाता है, सो उन्होंने तुहाडा होना चाहिए है। दूसरा है, दो प्रॉब्लम है कि तुहाडा जिहड़ा सब्जैक्ट है, जे तुसी टी जी टी लिए एलिजिबल बनना चाहते हो, 10वीं तक दे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले अध्यापक गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले बनना चाहते हो, तो तुहानू इंटीग्रेटेड सब्जैक्ट जे तुहाडा कोई बनता है, कईयां दे इंटीग्रेटेड सब्जैक्ट नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल जेकर किसी का सब्जैक्ट फिजिकल एजुकेशन है, इंटीग्रेटेड सब्जैक्ट नहीं है, ओके, ते म्यूजिक इंटीग्रेटेड नहीं है, ये अपने आप च पूर्ण सब्जेक्ट हैं। दो सब्जेक्ट मेजर जिहड़े है वह तो तंग कर सकते हैं। नंबर एक इत्थे लिखन लगा हाँ इस तरह, एक तो SST सोशल साइंस और दूसरा है साइंस, ओके। सोशल साइंस विच SST विच 13 साइंसिज दित्तियां हैं NCTE ने, ठीक, 7 इन्हों 13 विचों 6 सिलेक्ट कीतियां है पंजाब गवर्नमेंट ने, एक प्लस होर पा के टोटल 7 साइंसिज सोशल साइंसिज है नैचुरली, तो इन्होंने इन्होंने क्या है 4 जिहड़ियां स्कूल सोशल साइंसिज है, हिस्ट्री, पोलिटिकल, ज्योग्राफी, इकनोमिक्स, इन्हों के विचों एक मिनीम पढ़िया होना चाहिए है, ये कंडीशन है गवर्नमेंट जॉब दियाँ, मैं तुम्हें दस दतिया। तो कोशिश करनी है जो तुम मान लो हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस पढ़िया है, इकनोमिक्स तो किसी ने पोलिटिकल साइंस पढ़िया है, इकनोमिक्स तो हिस्ट्री पढ़ी है, तो कोशिश करो कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट SST चूज़ करो, ना कि हिस्ट्री कली चूज़ करो या इकनोमिक्स कली चूज़ करो। जे इकनोमिक्स तो हिस्ट्री चूज़ करते हाँ तो तुम PGT वल जाओगे, वो तो पोस्ट ग्रैजुएशन इन इकनोमिक्स या पोस्ट ग्रैजुएशन इन हिस्ट्री जिहड़ा सब्जेक्ट तुम चूज़ करते हो वह आइसोलेटेड सब्जेक्ट है, वह उधर जाना पेगा। सो इन्हों चूज़ करना चाहिए है। दूसरा, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने ऑप्शन दिती हुई है कि एक सब्जेक्ट नाल ही, जे एक सब्जेक्ट मान लो हिस्ट्री पढ़ी है सिर्फ, पहली पोलीटिकल साइंस पढ़ी है, बाकी फिजिकल एजुकेशन या पंजाबी पढ़ी है, इट मीनस इंटीग्रेटेड चो ये सोशल साइंस चो एक पढ़ी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी तो पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो SST दे देगा, फिर उत्थे तुहानू एडिशनल पेपर एक देना पेगा जिदे तो बाद तुसी गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल होवोगे। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का बेस ते तुहानू SST मिल गई है, तो दूसरा पोलीटिकल साइंस जां ज्योग्राफी, इकनोमिक्स, जिहड़े होर सोशल साइंस दित्तियां उन्हां चो एक BA दा एडिशनल दिता देना पेगा। आने वाले दिनों में बस एडिशनल पेपर शुरू हो रहे हैं, मैं एक वीडियो उन्होंने पब्लिश कर दिना हाँ कि पटियाला यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दी डेट्स की ने, हजे आई नहीं है, नोटिफिकेशन बस होने वाला है, एक अद्धे दिन वो वीडियो आ जाएगी। तो इस तरह मतलब तुसी की ख्याल रखना है, असी ब्लाइंडली नॉर्मली की होंदा है, इस वीडियो का फायदा की हो सकता है कि BEd बच्चे कर लेंदे सी, बाद च पता लगता सी मैं एलिजिबल नहीं है SST लई, हुण तुहानू पता जे लग गया है तो नाल ही तुसी कोशिश कर
करके उस यूनिवर्सिटी तो अडिशनल बीए का करके बीएड के अंत तक एलिजिबल हो सकते हैं। जिहड़ा मैं गल बहुत रिपीट कर चुका हाँ, तुहाडा एक साल डेढ़ साल बच जाएगा। इस तरह साइंस स्टूडेंट है ना, जेकर उन्हां दी साइंस एक सब्जैक्ट मतलब बायो कमिस्ट्री कई कंबीनेशन बनते हैं, जेकर उन्हां दा बायो ते कमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो प्रैफर की करना चाहिए है, साइंस नूं करना चाहिए है टीजीटी लई। जेकर बहुत शौक है इश्क है कि मैं कमिस्ट्री पढ़ानी है प्लस वन टू नूं, तो फिर तुसीं अपनी ही जिहड़ी है प्रैफरेंस ते चलना है। प्रॉब्लम यह है कि एस एस टी विच नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जिवें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नूं ही अडिशनल पेपर करवाती है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी शायद प्रैक्टिकल नूं भी करवा देंदी है, कन्फर्म करके दस दाँगा। सो साइंस प्रैक्टिकल है शब्द कि इन्हों का अडिशनल पेपर होएगा नहीं होएगा किदां होएगा ये वक्री गल है। सो इन्हों सोच समझ के ज़्यादा चलना पएगा। इत्थे हो गई मेजर सब्जेक्ट की गल, पर माइनर कॉलेज जाके तुहानू कॉलेज वाले सचमुच है मैं इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि कॉलेज विच जेडे भी बैठे ने उन्हां नू गवर्नमेंट जॉब की कोई नॉलेज नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी अल्टीमेटली किस तरह बनती है ते किस ते सानू सब तो ज़्यादा जोर देना चाहिए है। मैं तुहानू दसांगा चार पांच आस्पैक्ट, बी एड च मेहनत करनी है, पी एस टैट च करनी है, सी टैट च करनी है, फिर एग्जाम विच बी ए ची कर रहे हैं मार्क्स दी है ना, मैं दसांगा कि इहदे विच सब तो ज़्यादा मेहनत करनी है जो गवर्नमेंट जॉब लैनी है। सो माइनर सब्जेक्ट नू चूज़ करते हुए भी यही क्राइटीरिया अपनाओ। मैं ये कहना है फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का हिस्ट्री इकनोमिक्स है एस एस टी लै लिया, नाल पंजाबी मान लो उन्होंने पढ़ी हुई है, इंग्लिश पढ़ी हुई है, तीन साल पढ़ी है, इलेक्टिव पढ़ी है और इंटीग्रेटेड नहीं है, आइसोलेटर चलता है और पोस्ट ग्रैजुएशन मान लो वही करना चाहते हैं जो एक करना चाहते हैं। सो मान लो इंग्लिश की है तो पोस्ट ग्रैजुएशन इंग्लिश करके ज़्यादा फायदा है उन्होंने कि इंग्लिश लैणगे। सो इलेक्टिव सब्जेक्ट ही माइनर लियो, थ्री वाला ही माइनर लोगे। फॉर एग्जाम्पल इतने मैं लिख दिना हाँ, जेकर अजिहा बच्चा इस तरह इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश और इलेक्टिव है तीन साल पढ़ी है ठीक है, और अगे पी जी इंग्लिश करना चाहते हैं, जे इन्हों मना भी कर दी है कि चलो इंग्लिश नहीं करना चाहते, फिर भी उन्होंने इंग्लिश ही लैनी चाहिए है एस एस टी के नाल। उहदा फायदा की रहेगा कि कोई भी अडिशनल पेपर नहीं देना पएगा, बी एड करते सार ही वो एस एस टी ते इंग्लिश लई दो जॉब दो पोस्टा की दो फील्ड्स लई रेडी होणगे टीचर बनने लई गवर्नमेंट जॉब च जाण लई। जेकर उह अगे जे पुछो तो इन्हां विचों पोस्ट ग्रैजुएशन कहड़ी करनी चाहिए है, जे तो इंग्लिश की पोस्ट ग्रैजुएशन करते हैं नाल ही वो इंग्लिश की पी जी टी लई एलिजिबल हो गए। जे इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट चो मान लो हिस्ट्री की करना चाहते हैं तो हिस्ट्री की करके एलिजिबल नहीं होए, उन्होंने बी एड का पैडागोजी ऑफ हिस्ट्री का भी पेपर देना पड़ेगा ठीक। सो ये मैं इस वीडियो दसना चाहता सी कि मेजर सब्जेक्ट नू गवर्नमेंट जॉब के क्राइटीरिए नाल ही चूज़ करो, तो माइनर नू भी उस तरह करो। एक गल चंगी तरह समझ लो कि मेजर तो माइनर का मीनिंग सिर्फ एड़े वाले दिन तक है, बी एड करते सार ही मेजर तो माइनर खत्म हो जाएंगे। जेकर तुसी आ क्राइटीरिया पूरा करते हो है ना, ते तुसी तुहाडा माइनर भी मेजर वांग गवर्नमेंट जॉब तक तुहानू लैके जाएगा ठीक। मेजर इसलिए कहा जाता है इसनों कि घट्टो घट एक सब्जेक्ट तीन साल जिहड़ा पढ़िया होवे वो इलैक्टिव होवे तो तुसी एक लई तो गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल हो जाओ, पर क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ते पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इन नॉन इंटीग्रेटेड सब्जेक्टां चो एक दे बेस ते ही तुहानू वो दे दिंदे है एस एस टी जां साइंस दे दिंदे हन ते तुसी पर गवर्नमेंट जॉब लई फिर एलिजिबल नहीं होंदे। सो एक कंपलैक्स सिस्टम है, इहदे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होवे पुछ सकते हो। थैंक यू।